20 दिन के बाद आपका स्वागत है। देखिए, गोभी के पेड़ अब ट्रांसप्लांटिंग के लायक हो चुके हैं। देखिए, हमने रेनी सीजन में, बरसात का मौसम है, ये अर्ली वैरायटी है, ठीक है ना। ये मॉन्सेंटो का बीज है, ये काफ़ी अच्छा वैरायटी है, इसको हमने लगाया था। इसका ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ है। ये देखिए कितने अच्छे से प्लांट हो गए हैं, अब ये ट्रांसप्लांट के लायक हो गया है। हमने इसका पहले वीडियो बनाया था, इसका सीडलिंग कैसे तैयार किए थे, सीडलिंग तैयार करके, मतलब सीडलिंग के लिए जो हम प्रिपेयर किए थे मिट्टी, इसका इसको लगाए थे। अब ये जो है तैयार हो गया है, अब इसको हम लोग लगा सकते हैं। ये काफ़ी गुड, वेरी गुड क्वालिटी का है और ये बहुत जल्दी ही ग्रोथ हो जाएगा। ये देखिए सेमिनस मॉन्सेंटो का ये बीज है, काफ़ी बहुत अच्छा क्वालिटी है। तो ये बात आप जब ध्यान रखेंगे कि जब भी आप बीज लाएँ तो थोड़ा शुरू में महंगा पड़ता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बीज है। ये सारे हम को भी इसलिए बड़ा शौक से लगाए हैं, इसका सीडलिंग हम लोग तैयार किए हैं, तो इतना हम लोग पर्सनली लगा नहीं सकते हैं, तो कुछ तो हम लोग अपने फार्म लैंड में लगाएंगे, बाकी जिनको ज़रूरत होगा वो हमको बता देंगे, उनको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। ये हम तब तक इसका सीडलिंग तैयार किए हैं, तो जिन लोगों को ज़रूरत होगा तो आप लोग इसको हमसे मंगवा सकते हैं, मतलब मेरे एरिया में, हम बाहर तो नहीं भेजते हैं, बस मेरे एरिया के कुछ लोगों को अगर ज़रूरत होगा तो हम इनको मिनिमम प्राइस पे, क्योंकि इसमें खर्चा लगा है, काफ़ी मेहनत लगा है, तो कम से कम प्राइस में हम आपको इसको प्रोवाइड करा देंगे। तो जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो अगर देख रहे हैं, अगर वो जिनको कोबी लगाना होगा तो हमको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। कि ये तो ये 20 दिन का रिजल्ट है, इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमने आपको शोक इसका दिखा दिया है, इसका वीडियो भी बना दिया है ताकि आप लोग देखें अपने से, और इस पर ताकि भरोसा कर सके। कि हम ऐसे तो कहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ये कितना सुंदर प्यारा प्यारा, देखिए काफ़ी बड़ा हो गया, देखिए आप काफ़ी ये लगाने के लायक हो गया है। इसको 1 से 2 दिन में हार्डली आप, वैसे आप लगा सकते हैं, लेकिन 4-5 दिन और इसको चाहें तो आप रख सकते हैं, तो आप जिनको चाहिए आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, अब हम लोग लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन होता है, कब कैसे क्या ग्रोथ है। बीच बीच में हम इसका शो करेंगे, जब हम अपने फार्म लैंड में इसको लगाएंगे तो आपको इसका वीडियो बीच बीच में दिखा देंगे, कैसा क्या हम केयर कर रहे हैं, क्या कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अपडेट के साथ। तो देखिए, आज हम लोग आपके सामने गोभी का जर्मिनेशन करेंगे, ठीक है, और हमारे एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं धर्म आनंद जी, वो अभी आपको दिखाएंगे कि बेड कैसे बनाए हैं, इसके बाद फिर नहीं बेड बनाए हैं इसे कैसे बीज को जर्मिनेट करेंगे, कैसे पानी देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। उसको 1 से 2 महीनों के बाद फिर इसमें इसको उखाड़ने लायक का हो जाएगा। वैसे अब जर्मिनेशन, अभी बीज डालने के बाद जो जर्मिनेशन होगा वो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जैसा कि देखिए हमने कल है इसको जर्मिनेशन की लगाया था, ये आपको कॉलीफ्लावर है, मिस फूल गोभी। इट इज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट द जर्मिनेशन विल बी स्टार्टेड इन विद इन अ 1 डेज। मतलब सबसे अच्छी बात क्या है कि एक दिन में, ये मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, एक दिन में इसका जर्मिनेशन शुरू हो गया है। देखिए आपको दिखा दें नज़दीक से, देखिए सारे सीड जर्मिनेट होना शुरू हो रहे हैं। देखिए वाइट आपको दिखेंगे, ये देखिए ये जर्मिनेशन शुरू हो गया है, जर्मिनेशन। ये तो ये इसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना होता है कि सीड का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होना चाहिए। द सीड क्वालिटी मस्ट बी बेटर सो दैट द जर्मिनेशन विल बी स्टार्टेड सून। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है कि आपका सीड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ताकि जर्मिनेशन आपका अच्छा से अच्छा हो। हाँ, उसमें खर्चा लगता है थोड़ा सा, सीड काफ़ी कॉस्टली था, बट ये अच्छा बात है कि जर्मिनेशन बहुत जल्दी शुरू हो गया। आई विल अपडेट, उसको हम बाद में अपडेट करेंगे जब ये और पौधा बड़ा होगा और ट्रांसप्लांटिंग के लायक होगा, तो फिर हम इसको दिखाएंगे।